तो हमारे पास में टोटल शुरू में 22 नामांकन पत्र आए थे, 22 में से 4 कैंडिडेट जो हैं वो कवरिंग कैंडिडेट थे, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट थे। उसमें से फिर ये हो गया है कि 4 कैंडिडेट का उनका रिजेक्ट हो गया है क्योंकि उनके मेन कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, तो 18 कैंडिडेट रह गए थे। 18 में से आज सुबह, आज शाम के 3 बजे तक का टाइम था विड्रॉल का, तो उससे पहले आज 4 फॉर्म आए हमारे पास विड्रॉल के, तो अपने पास में अभी लास्ट में 14 कैंडिडेट रह गए हैं जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे। 3 बजे के बाद में कोई भी अभी विड्रॉल का फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि अभी 3 बजे के तुरंत बाद से उन्होंने सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसमें से ऐसा है कि जो 12 कैंडिडेट हैं उनको अपनी पहली चॉइस मिल गई क्योंकि उसको कोई क्लैश नहीं था, ठीक है। 2 कैंडिडेट जो कि जिलेराम शर्मा और रेखा, ये आज़ाद उम्मीदवार है, दोनों निर्दलीय हैं, इनकी पहली चॉइस में क्लैश आया है, मैच हुआ है, जो गन्ना किसान है। और नियम ये कहता है कि जब किसी मैच होता है, क्लैश हो जाता है सिंबल के लिए, तो उसको फिर ड्रॉ के माध्यम से निकालना पड़ेगा। तो आज हम ये ड्रॉ करवा रहे हैं। फिर अभी इसमें 2 पर्चियाँ हैं, एक जिलेराम शर्मा के नाम की, रेखा के नाम से है। गन्ना किसान, इन्होंने दोनों ने पहली चॉइस मांगी थी, और जिसको भी ये मिल जाएगी, जिसकी पर्ची उठेगी उसको गन्ना किसान मिल जाएगा। आप इनके कैंडिडेट जो है पर आगे आ जाइए, इनके दोनों के इलेक्शन एजेंट्स जो भी इनके आगे आ जाइए, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को निष्पक्षता से करवाने के लिए हमने एक बच्ची को बुलाया है ताकि इस पे ऊपर किसी का ना हो। आप दोनों की इस पे सहमति है, जो ये उठाएगी वही होगा, ठीक है। ठीक है, सहमति है जी, हाँ जी। बेटा एक पर्ची उठा, इस समय देख सकते हैं पंडित जिलेराम शर्मा और रेखा गुजर सिरसी के लिए गन्ना किसान की जो पर्ची है उसको निकालते हुए। ये रेखा और रेखा जी को गन्ना किसान मिलता है अभी, ठीक है। और तो अभी जिलेराम शर्मा जी को मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको। अभी जिलेराम शर्मा की दूसरी चॉइस शूइंग मशीन थी, लेकिन शूइंग मशीन जो है वो एक बलजीत हैं आज़ाद उम्मीदवार, उनकी पहली चॉइस है तो उनको मिलेगी। तो सेकंड चॉइस जो है इनकी वो नहीं मिलेगी इनको, तो इनकी थर्ड चॉइस जो प्रेशर कुकर है वो जिलेराम शर्मा का चुनाव चिन्ह मिलेगा, प्रेशर कुकर, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनका बता देता हूँ मैं। गोपाल सिंह है BSP कैंडिडेट, एलिफेंट सिंबल है। शमशेर सिंह होगी INC कैंडिडेट, हैंड हो गया इनका। योगिंदर सिंह राणा BJP कैंडिडेट, लोटस हो गया। अमनदीप सिंह आम आदमी पार्टी से, इनका झाड़ू हो गया ब्रूम। वीरेंद्र वर्मा NCP SP से, इनका मैन ब्लोइंग टुरहा, ठीक है। प्रेमचंद है बुलंद भारत पार्टी से, इनका गैस सिलेंडर है। हरजीत सिंह शिरोमणि अकाली दल से है, इनका बकेट है। रामफल है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इनका बैट्समैन है। जिलेराम शर्मा का अभी डिसाइड हुआ, इनका प्रेशर कुकर होगा। रेखा का अभी ड्रॉ के माध्यम से डिसाइड हुआ, इनका गन्ना किसान होगा। बलजीत सिंह इंडिपेंडेंट है, इनका स्विंग मशीन होगा। सोनिया एक आज़ाद उम्मीदवार है, इनका पोर्ट होगा, पोर्ट POT। प्रदीप सिंह आज़ाद उम्मीदवार है, इनका कोट होगा, COT, माने चारपाई जो होती है। और लास्ट कैंडिडेट जो अपने जयपाल है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, इनका कोकोनट फार्म होगा। तो 14 कैंडिडेट अपने पास में लास्ट में आए हैं, और ये इनके सिंबल अलॉटमेंट है। और थैंक यू सर। उम्मीदवारों को किन किन चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा चुनाव के दौरान, जैसे उसमें खर्चे की बात भी है, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि जिसके कोई धार्मिक स्थलों पर कई बार जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ? तो उम्मीदवारों के लिए ऐसा है कि कल एक राजनीतिक दल और जो भी कैंडिडेट्स अपने सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए एक मीटिंग रखवाई है 11:30 बजे ऑफिस में। ये मीटिंग मैंडेटरी होती है CA की तरफ से कि जैसे विड्रॉल के तुरंत बाद ही और सिंबल अलॉटमेंट के तुरंत बाद उनको एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग में उनको उनकी एक मीटिंग लेनी होती है। उससे पहले एक उनकी ट्रेनिंग भी होगी असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के द्वारा, ताकि उनको अकाउंट्स मेंटेन कैसे रखना है, अपना रजिस्टर कैसे भरना, उस बारे में उनकी जानकारी दी जाएगी उनको। दूसरा ये कि सारे के सारे राजनीतिक दल और जो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे सबसे अनुरोध है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो भी गाइडलाइंस है उसके अंदर में रहकर कार्य किया जाए, किसी भी आचार संहिता का नियमों का उल्लंघन ना हो। और दूसरा ये है कि जो भी परमिशन आपको चाहिए होती है रिगार्डिंग टेम्प्रेरी ऑफिस सेटअप हो गया, या फिर आपको किसी लाउडस्पीकर परमिशन हो गई, गाड़ियों की परमिशन हो गई, उस परमिशन के लिए दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है।
आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कीजिए ताकि वो प्रोसेस जो फास्ट हो जाएगी। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे तो आप ऑफलाइन माध्यम से भी उसको ले सकते हैं और परमिशन मिले तभी आप अपना कार्य शुरू कीजिए, उससे पहले नहीं तो फिर वो MCC वायोलेशन की सूची में आ जाएगा। फिर जनता के लिए कोई विशेष नोटिस सर? जनता के लिए नोटिस विशेष ये है कि 5 अक्टूबर को चुनाव अपने होने हैं, तो उस चुनाव में अपना जो भी मतदान है वो बढ़ चढ़ कर कीजिए, ठीक है। और चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए प्रशासन की तरफ से सारे के सारे मेजर्स किए जा रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी अच्छे से दी जा रही है, CISF की सिक्योरिटी जो है जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। और बस एक ये है कि अगर जब SST और FST के जो नाके लगे हुए हैं वहाँ पे अपना व्हीकल की अगर चेकिंग हो रही है तो उस पर आप कॉपरेट कीजिए उसमें आप। और अगर आपको किसी को भी अगर ऐसा है कि किसी आम इंसान को ये हो रहा हो कि हैरेसमेंट हो रहा है मेरे SST FST टीम के द्वारा, तो उसके लिए आप कभी भी आके, मतलब ऐसा हो कि अननेसेसरी चेकिंग हो रही है, मेरी चेकिंग करने बाद दोबारा चेकिंग की जा रही है, तो अननेसेसरी हो तो आप इसके आके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर है 1950 है, वो हमेशा 24x7 चालू रहता है, 1950 1950। और एक और फ़ोन नंबर जो है उसकी, जिसकी अखबार में हमने पहले नोटिस दे दिया है, उस नंबर पे आप किसी को भी कोई भी इलेक्शन से संबंधित ऐसा लग रहा हो कि ये जो है ये कानून के विरोध में हो रहा है या फिर इसके इलीगल काम जो हो रहा है या फिर MCC का वायलेशन हो रहा है, उस पर आप तुरंत रिपोर्ट करवाएं और प्रशासन को उसकी जानकारी दीजिए, प्रशासन उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। किसी को कोई पसंद नहीं आता नेता नोटा दबा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 अक्टूबर को हर हाल में आपका वोट देना है आपको, चाहे जो भी 18 साल की उम्र से ऊपर हो, वयस्क हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो और चाहे कोई अन्य जेंडर का हो, तो अपने ज़्यादा मात्रा में पहुँचिए अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर और वोटिंग कीजिए। धन्यवाद। हमारे साथ SDM असंद, और इस समय आप देख सकते हैं सभी चुनाव चिन्ह जो है वो मिल चुके हैं। पंडित जिले राम को मिला प्रेशर कुकर, अब उनकी सिटी जो है वो बजेगी या फिर बंद होगी वो देखना होगा। उसके साथ साथ मराठा वीरेंद्र वर्मा, उनके बेटे भी थे, वो भी हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा, उनके बेटे भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस समय SDM कार्यालय से सीधा और लाइव है। लगभग 22 नामांकन थे जिसमें से 14 नामांकन जो है वो रहते हैं, और जिसमें से पंडित जिले राम शर्मा के ऊपर एक फोकस था कि उनको क्या मिला है, उनको आखिरकार मिला है प्रेशर कुकर, जिनकी सिटी देखिए कहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है या फिर वो सिटी जो है अधूरी रह जाएगी। और मराठा वीरेंद्र वर्मा, उनके बेटे पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनको क्या सिंबल मिला है। और विजय, और इसमें समय मराठा वीरेंद्र वर्मा, उनके बेटे हमारे साथ हैं और NCP से जो है वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनका गठबंधन है। सर किस किस पार्टी से गठबंधन हुआ है? हमारा राजकुमार सैनी जी के साथ हुआ है जी सर। उनकी LSP पार्टी है, लोक जन शक्ति पार्टी है जी सर। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जी सर, वो हमारे साथ रहेंगे जी सर। और चुनाव निशान क्या है सर? हमारा तुर्रा बजाता हुआ आदमी, मैन ब्लोइंग तुर्रा, किसान जो है, किसान जो तुर्रा बजाते हैं खेतों में, तुर्रा बजाता हुआ किसान मराठा वीरेंद्र वर्मा। और पंडित जिले राम शर्मा का प्रेशर कुकर अब की बार सिटी की आवाज़ दे पाएगा या नहीं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। SDM कार्यालय से सीधा और लाइव इस समय हम जुड़े हैं, हम दिखाएंगे कौन जो है मराठा जी के फेवर में, जो हमारे बिरादरी के और जो खड़े हुए थे उन्होंने अपना विड्रॉ भी कर लिया। ओके, अच्छा JJP पार्टी का विड्रॉ हुआ? विड्रॉ, अच्छा ओके। जो मायाराम जी है उनका विड्रॉ हुआ, जो चलिए वो इस समय JJP पार्टी के मायाराम का ये बताया जा रहा है कि विड्रॉ हो चुका है, इसलिए वो यहाँ नहीं आए हैं। तो जितने भी नेता खड़े हैं सबसे पहले उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आप अपना जनसंपर्क जो है ज़ोर शोर से करें। और पंडित जिले राम शर्मा से है क्या, वो बलजीत बता रहे थे, कोशिश करते हैं लेकिन आपको नेट चेंज करना पड़ेगा। बलजीत, बलजीत पंडित जी आए, पंडित जी आए आए नहीं, तो वो वही है। और क्या क्या निशान मिला बलजीत जी? हमें प्रेशर कुकर मिला जो हर घर में है और सबको उसकी पहचान है,
कि जो प्रेशर कुकर है सिटी की आवाज़ मारेगा, सिटी की पूरी आवाज़ मारेगा और सिटी बंद कर देगा सबकी। आप भी खड़े था जी? हाँ जी। अच्छा जी, हाँ। क्या नाम है जी? रामफल शर्मा। तो क्या निशान मिला जी? उसका मिला बैट बल्ले का, मारेंगे छक्के चंडीगढ़ में जाएगा पड़ेंगे। कौन सा गाँव था? सलवन। सलवन से? हाँ। आपकी बार सिक्सर मारेंगे? सिक्सर मारेंगे के मल्ले बनाएंगे। हाँ, 8-10 पर रखे हैं। हाँ पर हाँ जी, एम पी के भी इलेक्शन लड़ रखे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो भाई ताऊ रामफल है और सिक्सर मारने की तैयारी में है और ये CIFS की जो टीमें हैं हर मोड़ पर हर घड़ी आपकी सेवा में लगे रहेंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आए तो आप इनसे संपर्क जरूर कीजिएगा, लेकिन आप ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो कि समाज सेवा या फिर सो समाज के बीच में कोई किसी प्रकार की उड़दंगबाजी करते हैं। SDM साहब से पूरा सब कुछ बताया कि किस तरीके से इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाया। बने रहिएगा, जुड़ रहेगा इंतजार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी करो जी सर मदद। हाँ हाँ।